जितनी उनकी स्पीचेस थी, उन्होंने जो जो क्लेम्स किए हैं वो सारे क्लेम्स एक के बाद एक झूठे पाए जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वो बार बार मीडिया ने फैलाया उसी को, उसको उसके पीछे के सच को जानने की कोशिश नहीं की मीडिया ने। वो कहते हैं 11% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, वहाँ पे नेगेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है। तो उस झूठ को बार बार करके जनता के बीच में ये प्रोपेगेंडा पिछले एक साल से फैलाया गया, ये तो हम भी कहते रहे हैं। तो जैसे चर्चा है कि मोदी 2 सीटों से लड़ सकते हैं, तो क्या आप भी उनको दोनों सीटों से चुनौती देंगे? नहीं, पर वो 2 से क्यों लड़ रहे हैं? इनकेस वो मान, या फिर आप पूछोगे 4 से लड़ सकते हैं, तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है उनको 2 से नहीं लड़ना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, बहादुर पीएम होना चाहिए। नहीं, अगर लड़ते हैं क्या आप दोनों सीटों? तो वो जनता में संकेत ये जाएगा कि वो डर के दूसरी सीट सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, गुजरात में ढूंढ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के लिए खबरों में रहना है तो नमो नमो कहना होगा। अब उनको पता है कि वो खबर में आने के लिए मोदी मोदी कह रहे हैं, तो जाकर देख लें। लड़ने का अधिकार तो सबको है, कई लोग निर्दलीय भी लड़ते हैं, और जो कोई बड़ा व्यक्ति लड़ता है तो उसके सामने जाकर लड़कर नाम कमाने के लिए भी कई लोग लड़ते हैं। तो केजरीवाल साहब को मालूम हो कि वो तो एक तो दिल्ली नहीं है, बनारस है, और वो शीला दीक्षित नहीं है, वो नरेंद्र मोदी हैं जो बनारस के लोगों के दिल पर राज करते हैं, और बनारस के लोग उनको अपने पलकों पर बैठाए हुए हैं।